देखो यार, झूठ की चादर मैंने पहले ही उतार फेंकी और सच बोल रहा हूँ, डार्क नाइट के अलावा मैंने कोई भी डीसी मूवी नहीं देखी। तू है कौन रे? मैं कौन हूँ? अरे ये सब छोड़ो, और ब्लू बीटल के ट्रेलर में हमें क्या क्या और क्या देखने को मिला है, इसकी तरफ अपना मुंह मोड़ो। तो गुरु, डीसी यूनिवर्स की मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन ट्रेलर में एक बात पूरी तरह से नहीं है। सबसे बड़ा कारण जो कि ये ट्रेलर मेरे दिल में सट गया वो ये कि डीसी की मूवीज में जो अंधकार छाया रहता था फाइनली वो हट गया। बात तो सही है, इसका एक्शन देखने में नया और अलग नजर आ रहा है, लेकिन इसका कैरेक्टर हमें कुछ और भी दिखाना चाह रहा है। बंदे की डेली लाइफ में आपको पीटर पार्कर नजर आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन का सीन पक्का वेनम की याद दिलाएगा। अब जरा अपनी अश्लील अखियां फाड़ के ये देखो इसका सूट कैसा है। AI प्लस डिजाइन प्लस मनचाहा हथियार बनाने की कलाकारी, बोले तो ये बिल्कुल आयरन मैन के मार्क 50 जैसा है। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। खैर, थोड़ा ये भी देखने को मिला है कि ये पहला नहीं बल्कि तीसरा ब्लू बीटल होने वाला है। कहां देखा इस सब? मैं बताऊं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है दोस्तों ये डीसी की पहली मूवी हो जिसे मैं पहली फुर्सत में पहली बार पहले शो थिएटर में देखने जाऊँ। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 150 रुपया देगा।